हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। तो आज ये देखिए, हम लोग बनाने जा रहे हैं चावल की कचड़ी। और इसको रात भर के लिए 1 से 1.5 किलो चावल हमने रात में फुला दिए थे। तो ये पूरी रात फूलने के बाद अभी हमने इसको धो के रख लिया है और इसे अभी मिक्सी में पीसेंगे। बढ़िया, जैसे डोसा और इडली का बैटर होता है, सेम उसी तरह का पीस लेंगे इसको। और ये देखिए, पीसने के बाद ये कुछ इस तरह हो गया है और बस इसी तरह हमें पीसना है, क्योंकि फिर अभी थोड़ा पतला ही रहेगा, पानी पड़ेगा, फिर बाद में ये पकने पे गाढ़ा हो जाएगा। और अभी ये आधा बैटर पीस चुका है और उसके बाद यहाँ पे बैटर पूरी तरह पीसने के बाद यहाँ पे हम आ गए इसको पकाने के लिए। और पानी अभी थोड़ा जल गया है और इसमें नमक, मिर्च और मीठा सोडा डाल के हम इसको 10 से 5 मिनट पका लेंगे। और पकाने के बाद जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इससे ये कचड़ी बनाएंगे। और यहाँ पे हमारी कुछ कचड़ियाँ बन भी चुकी हैं। और ये देखिए, ये पीतल वाली जो मशीन है, इसी मशीन में डाल डाल के हम इसको छांटते जाएंगे। और इसमें 2 से 3 तरह के सांचे होते हैं, मोटे और पतले। आपको जिस तरह के सांचे की बनानी हो तो आप वैसा सांचा इसमें फिट करने के बाद। और ये हमने मीडियम साइज़ वाला सांचा इसमें लगाया है, जो कि ना ज़्यादा मोटा है ना पतला। और ये फैले हैं मेरे कपड़े, अभी कपड़ों की धुलाई भी हुई है। और बस यहाँ पे बस ये भरने के बाद इसका बैटर, और हम इसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो ये सेब की तरह छटता जाएगा। इससे हम बेसन के सेब वगैरह भी निकाल सकते हैं और काफ़ी यूज़फुल होती है ये मशीन। और आमतौर पे अभी अपने घरों में सबके यहाँ मिल भी जाती होगी, लगभग सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पे ये मशीन से इस तरह छांट लेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी छाया है किनारे पे, तो यहीं किनारे बैठ के छांट लिया था। ये देखिए, अभी ये आधा बैटर हमारा हो चुका है। और पूरा छटने के बाद ये पूरे फोल्डिंग पलंग में साड़ी बिछा दी थी, तो ये देखिए कुछ इस तरह का ये लग रहा है। और 1 से 2 घंटे की जब इसमें धूप लग गई थी तो उसके बाद ये मैंने शूट किया था, तो ये इस तरह से हो गया था। और अभी ये शाम तक की धूप में पूरी तरह ब्राउन हो जाएगा। और अभी इसमें हमें कल की भी धूप लगानी पड़ेगी, कम से कम इसमें 2 दिन की भरपूर धूप लग जानी चाहिए, तब ये फिर हम इसको कंटेन करके रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन की धूप लगने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गई हैं। और ये तेल में तल के खाने में बहुत ही अच्छी कुरकुरी लगती हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। तो बस अब मैं इसको डिब्बे में भर के रख दूँगी। तो आप इसको पूरे 1 साल तक भी डिब्बे में भर के कंटेन करके रख सकते हैं, और जब चाय वगैरह बनाएँ तो इसको खाएँ और लुत्फ़ उठाएँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो का अब यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।